हेलो फ्रेंड, कैसा लग रहा है मेरा यूट्यूब वाली ड्रेस? कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जसपुर सामरी पार्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, जसपुर सामरी पार्ट को मैं बताऊंगा डिटेल से कि जसपुर सामरी पार्ट है कहाँ, उसकी स्थिति कैसी है, और आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा यूट्यूब वाली ड्रेस। तो दोस्तों, जसपुर सामरी पार्ट जो है वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। जसपुर सामरी पार्ट कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्व भाग में, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व भाग में। और इसका विस्तार देखें तो जसपुर सामरी पार्ट का सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला और जसपुर जिला में इसका विस्तार है। दोस्तों, बलरामपुर जिला का सामरी तहसील, बलरामपुर जिला का सामरी तहसील, सरगुजा जिला और जसपुर जिला में भी इसका विस्तार है। पठार का ऊपरी भाग पठार कहलाता है। पठार पार्ट कैसे होता है देखिए दोस्तों, बता रहा हूँ। जैसे ऐसे और ऐसे, ये ऊपर का भाग, यहाँ दो तीन चार ठो गांव रहेगा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको पार्ट एरिया कहा जाता है। पर्वत कैसा होता है? ऐसे होता है पर्वत, ठीक है। ये क्या है? पर्वत। और ये क्या है? पाठ प्रदेश, ठीक। इसमें दो तीन चार गांव बसे हुए रहते हैं और ऐसे करके चढ़ाव रास्ता होता है इसके लिए जाने के लिए, यही क्या होता है? पाठ प्रदेश। तो दोस्तों, इसका जसपुर सामरी पार्ट जो है उसका मैं अक्षांतरीय विस्तार और देशांतर विस्तार बताता हूँ। इसमें मैं देखिए सरगुजा संभाग को बनाया हूँ। तो सरगुजा संभाग के अंदर यहाँ पर है जसपुर सामरी पार्ट, मतलब ये एरिया क्या है? जसपुर सामरी पार्ट का है ये एरिया, ठीक है। तो इसका अक्षांश और देशांतर रेखा मैं आप लोग को बताऊंगा। ये क्या है देखिए, कोरिया जिला यहाँ पर मैं बनाया था, सूरजपुर जिला, ये बलरामपुर जिला, ये सरगुजा जिला और ये जसपुर जिला। तो इसी तीनों के अंदर में यहाँ पर, मतलब बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा में क्या है? जसपुर सामरी पार्ट। इसका अक्षांश और देशांतर रेखा, इसका अक्षांश स्तरीय विस्तार यहाँ पर है 22 डिग्री 18 मिनट, 22 डिग्री 18 मिनट से लेकर 23 डिग्री 40 मिनट तक, 23 डिग्री 40 मिनट तक इसका विस्तार है। 22 डिग्री 18 मिनट से लेकर 23 डिग्री 40 मिनट तक इसका अक्षांतरीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है दोस्तों। और इसका देशांतर रेखा देखा जाए तो 83 डिग्री 2 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट तक है। 83 डिग्री 83 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है क्या? जसपुर सामरी पार्ट। जसपुर सामरी पार्ट से ही कर्क रेखा गुजरता है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि जसपुर सामरी पार्ट से ही कर्क रेखा गुजरती है। जसपुर सामरी पार्ट जो है, जसपुर सामरी पार्ट है उसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई 150 किलोमीटर, मतलब उत्तर में है हम लोग जसपुर सामरी पार्ट के, उसके दक्षिण में आना चाहेंगे तो 150 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। 150 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 85 किलोमीटर है। इस पाठ प्रदेश को तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, सामरी पाठ, पहला नंबर सामरी पाठ, उसको ऊपरी पाठ भी कहा जाता है, निचली पाठ जसपुर पाठ को कहा जाता है, और तीसरा नंबर मेन पाठ। मैं बोला ऊपरी पाठ सामरी पाठ को कहा जाता है, ऊपरी पाठ, उसके नीचे निचली पाठ मतलब जसपुर पाठ, और इसके नीचे मेन पाठ आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामरी पाठ को। सामरी पाठ को डिटेल से मैं बोला, ऊपरी पाठ मतलब सामरी पाठ, निचली पाठ मतलब जसपुर पाठ और मेन पाठ, तीन ठो पाठ इस भाग में, इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग सामरी पाठ को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सामरी पाठ में बताता हूँ, सामरी पाठ देखिए, ये बलरामपुर जिला है। ये क्या है? बलरामपुर जिला, ये सरगुजा जिला और ये जसपुर जिला, ठीक है। तो बलरामपुर जिला का सामरी तहसील, बलरामपुर जिला का सामरी तहसील और जसपुर, जसपुर जिला का उत्तरी भाग, बलरामपुर जिला का सामरी तहसील, जसपुर जिला का उत्तरी घाट कहलाता है। जसपुर जिला का उत्तरी भाग और बलरामपुर जिला का सामरी तहसील, ठीक है, इसी एरिया में इसका विस्तार है, और इसको क्या कहा जाता है? ऊपरी घाट कहा जाता है।
इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है, समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है 600 मीटर तक है, किसकी ऊपरी घाट मतलब जसपुर सामरी पाट की, ठीक है 600 मीटर ऊंचाई है इसकी, सामरी पाट मतलब ऊपरी घाट के अंतर्गत ही खुड़िया और जसपुर घाट इसी के अंतर्गत आता है, सामरी पाट मतलब ऊपरी घाट, ठीक है सामरी पाट मतलब ऊपरी घाट इसके अंतर्गत खुड़िया और जसपुर पठार इसी के अंतर्गत आता है। सामरी पाट का कुल क्षेत्रफल 2225 वर्ग किलोमीटर में, ये सामरी पाट जो मैं बोला उसका कुल क्षेत्रफल कितना है 2225 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इसके पश्चिम से पूर्व जो है ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेनाइट युक्त ठोस पत्थर पाए जाते हैं, ठोस चट्टान पाए जाते हैं पश्चिम से पूर्व ग्रेनाइट युक्त ठोस चट्टान पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निचला घाट, मतलब इसी के नीचे होगा निचला घाट, ठीक निचला घाट मतलब जसपुर पाट, निचला घाट किसको कहा जाता है जसपुर पाट को कहा जाता है। दूसरा नंबर मैं बोला था तीन भाग में बांटा गया है, ऊपरी पाट ऊपरी घाट मतलब सामरी पाट, जसपुर पाट मतलब निचला घाट और मैन पाट, ठीक है तो हम लोग अभी दूसरा नंबर हम पहुंचे हैं निचला घाट मतलब जसपुर पाट। जसपुर पाट को ईब मैनी घाट भी कहा जाता है, जसपुर पाट जो है उसको ईब मैनी घाट कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में ईब नदी और मैनी नदी प्रवाहित होती है बहती है और इसके सहायक नदी भी इधर बहती है। ईब नदी कहाँ से उद्गम होता है तो खुर्जा पहाड़ी मतलब पंडरा पाट इसी आसपास है, पंडरा पाट मतलब खुर्जा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है पंडरा पाट से ईब नदी का। जसपुर पाट का क्षेत्रफल कितना है कुल क्षेत्रफल तो 4304 वर्ग किलोमीटर फैला है, जसपुर पाट जो है 4304 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जसपुर पाट का समुद्र सतह से 275 से 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, जसपुर पाट का ऊंचाई कितना है तो 275 से 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई। अब मैं बताऊंगा आप लोग को मैन पाट कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार है। तीसरा नंबर में मैं बोला था मैन पाट वैसे ज्यादातर सरगुजा जिला में स्थित है दोस्तों, सरगुजा जिला में है लेकिन रायगढ़ का एक धरम जयगढ़ तहसील है उत्तरी भाग में, रायगढ़ के उत्तरी भाग में धरम जयगढ़ तहसील है तो वो धरम जयगढ़ तहसील तक भी इसका विस्तार है और सरगुजा जिला मतलब सरगुजा जिला में पूर्ता और थोड़ा बहुत धरम जयगढ़ में भी इसका विस्तार है। सरगुजा में मैन पाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र सतह से 1158 मीटर है, कितना है 1158 मीटर सरगुजा जिला में पड़ता है। मैन पाट की सबसे ऊंची चोटी किस जिला में पड़ता है तो सरगुजा में पड़ता है और उसकी ऊंचाई कितना है तो 1158 वर्ग किलोमीटर है। मैन पाट का पूर्वी भाग में पत्थर गांव का पठार है, मैन पाट का जो पूर्वी भाग है मांड नदी प्रवाहित होता है, मैन पाट के पूर्वी भाग में मान नदी कहाँ से उद्गम है तो इसी मैन पाट से है, कहाँ से उद्गम होता है तो मैन पाट के पूर्वी भाग से। अब अगला आता है दोस्तों बघेलखंड का पठार, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं सरगुजा संभाग है पूरा, सरगुजा संभाग के इस साइड क्या है मध्य प्रदेश, इधर क्या है मध्य प्रदेश में यहाँ पर बघेलखंड का पठार है बहुत बड़ा सा, ठीक है बघेलखंड का पठार है, उसी बघेलखंड का पूर्वी भाग सरगुजा संभाग में पड़ता है दोस्तों। इस एरिया में मतलब कोरिया पूरा कोरिया जिला और सरगुजा सूरजपुर जिला में भी इसका विस्तार पड़ता है, इसका पूर्वी भाग इधर बहुत बड़ा है बघेलखंड का पठार लेकिन पूर्वी भाग यहाँ पे पड़ता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो हम लोग का ये भी एक प्राकृतिक प्रदेश में आता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो मैं अब बताऊंगा पूर्वी बघेलखंड का विस्तार कहाँ कहाँ तक है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दूं ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है वह छोटा नागपुर का एक हिस्सा है दोस्तों, झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर, ठीक है तो छोटा नागपुर का हिस्सा कौन सा है बघेलखंड का पठार, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ है छत्तीसगढ़ के उत्तर और पश्चिम भाग मतलब यहाँ पर, ठीक है पूर्वी बघेलखंड का स्थिति कहाँ पर है तो उत्तर पश्चिम भाग छत्तीसगढ़ के,
इसका विस्तार किस किस जिला में है तो मैं बता चुका हूँ, पूरा कोरिया जिला में है। इसके बाद थोड़ा बहुत सरगुजा जिला में भी इसका विस्तार पड़ता है। दोस्तों समुद्र तल से ऊंचाई बघेलखंड की 400 से 600 मीटर के बीच में है, 400 से 600 मीटर के बीच में समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई है। लेकिन दक्षिण पूर्व में ये पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है उसके दक्षिण पूर्व में 800 मीटर से भी अधिक कहीं कहीं पर ऊंचाई देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं दंडकारण्य का क्षेत्र को बताऊंगा दोस्तों।